Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आतंकवादियों ने दुस्साहस किया है। जम्मू के बाहरी इलाके में स्थित सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के पास आतंकवादियों ने आज एक संतरी की पोस्ट पर हमला किया और जो अभी जानकारी आ रही है कि इसमें सेना का एक जवान जो है इस आतंकी हमले में घायल हुआ है। इस समय हम सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के पास ही खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो या भारतीय सेना हो, यहाँ पर चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है और यही प्राथमिकता है कि उन आतंकियों का पता लगाया जा सके जिन आतंकियों ने सेना के संतरी के पोस्ट पर हमला किया। ये घटना आज लगभग सुबह के 11 बजे के आसपास हुई और उसके तुरंत बाद यहाँ पर अतिरिक्त जो सुरक्षा बल है वो भी यहाँ पहुंच गए और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, कॉर्डन लगा दिया गया है। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हम यहाँ से जो आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं इसमें हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि फिलहाल जो इसमें जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है कोई आतंकवादी जो है इसमें अभी नहीं ढूंढा गया है, लेकिन लगातार प्रयास जारी है कि आतंकवादियों का पता लगाया जा सके और उनको ढेर भी कर दिया जाए। लेकिन ये काफी गंभीर विषय है क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आतंकवादियों ने यहाँ पर हमला करने का जो है दुस्साहस किया है। तो इसको लेकर अगर हम देखें तो अतिरिक्त सुरक्षा बल भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और समूचे जम्मू कश्मीर में पहले से ही हाई अलर्ट है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल पहले से ही पहुंचे हुए हैं और ज्यादातर ये जो सुरक्षा बल हैं ये जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचे हैं, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, रियासी हो या दूसरे जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर अभी हाल फिलहाल में जो आतंकी घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन सुंजवा मिलिट्री स्टेशन जो है जम्मू शहर के बाहरी इलाके में स्थित है तो काफ़ी गंभीर विषय है क्योंकि ये जो मिलिट्री स्टेशन है यहां पर 2018 में भी एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था और तब से ये पूरा क्षेत्र जो है संवेदनशील बना हुआ है। तो अभी अगर हम देखें तो सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बल चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं और प्राथमिकता यही है कि जिन आतंकवादियों ने कायराना हमला किया उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट।